हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम अनबॉक्स करने वाले हैं वीवो S17 को। सबसे पहले इसका बॉक्स देख सकते हैं, इसे हम करते हैं सील ब्रेक। बॉक्स को जब ओपन करेंगे तो इसमें आपको सबसे पहले आपको फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है। देख सकते हैं सबसे पहले फ़ोन मिलता है, इसे हम निकालते हैं साइड के लिए और इसमें आपको देख सकते हैं इसमें आपको जो वीवो पिंक कलर का फ़ोन देखने के लिए मिल जाता है, हल्का पिंक कलर देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको फोन के अंदर देखने को मिल जाता है एक केस देखने के लिए मिल जाता है, जो कि TPU केस रहने वाला है नॉर्मल। साथ ही साथ आपको एक अडाप्टर देखने के लिए मिल जाता है फोन के अंदर। साथ ही आपको बॉक्स के अंदर आपको टाइप सी टाइप ए केबल देखने को मिल जाता है। इसके बाद आपको एक सिम इंजेक्टर पिन देखने के लिए मिल जाती है। बॉक्स में आपको इतना ही देखने को मिल जाता है। अब आते हैं फोन की तरफ। फोन का आपको सबसे पहले लुक एंड डिजाइन देख सकते हैं, जो कि आपको इस प्रकार से देखने को मिल जाती है। तो इसमें आपको पंच होल डिस्प्ले रहने वाली है, जो कि एक कर्व डिस्प्ले के साथ आने वाला है और बैक से आपको डिजाइन भी काफी प्यारे देखने को मिल जाता है। इसमें बैक में आपको इस बार आपको डुअल फ्लैश लाइट देखने के लिए मिल जाती है। तो फोन का डिजाइन काफी प्यारा और इन हैंड फील भी आपको एक फ्लेक्सिबल के फोन की आने वाली है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन के अंदर क्या कुछ स्पेक्स देखने के लिए मिल जाती है। और बताया जा रहा है ये फोन आपको चाइना में लॉन्च हुआ है, जो कि एस सीरीज के नाम से आया। अगर ये फोन इंडिया में आता है तो ये आपको वीवो वी सीरीज में देखने को मिल जाता है। वीवो V29 के नाम से ये फोन इंडिया में देखने के लिए मिल जाता है, क्योंकि चाइना की जो एस सीरीज है वो आपको वीवो इंडिया में वी सीरीज के नाम से देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लें इसके अंदर जो चिपसेट आपको देखने को मिल जाता है, सबसे पहले चिपसेट मिल जाता है कॉल की तरफ से आने वाला स्नैपड्रैगन 778G प्लस चिपसेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 7 फैब्रिक 6 नैनोमीटर पर बेस्ड रहने वाला है। साथ ही इसके अंदर हम बात कर लेते हैं फोन के अंदर रैम टाइप की, तो रैम टाइप देखने मिल जाती है आपको LPDDR4X और स्टोरेज की बात करें तो ये फर्स्ट देखने मिल जाता है 2.2 का स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है फोन के अंदर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं फोन की हम डिस्प्ले की। तो डिस्प्ले आपको देखने मिल जाती है एक AMOLED डिस्प्ले देखने मिल जाती है, जो कि 6.7 इंच का साइज देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक AMOLED डिस्प्ले। तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाता है फोन के अंदर। साथ ही इसमें आपको HDR10 10+ का सपोर्ट देखने मिल जाता है। स्क्रीन रिफ्रेश देखने मिल जाता है 120Hz का। साथ ही इसकी जो पीक ब्राइटनेस है वो आपको देखने को मिल जाती है 1300 nits की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। इसे आप सनलाइट में यूज करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है फोन के अंदर। फोन के लाइट वेट की बात करें, फोन की वेट और थिकनेस, तो फोन का वेट देखने को मिल जाता है 186 ग्राम का वेट मिल जाता है और थिकनेस मिल जाती है 7.4 mm की। तो फोन आपका लाइट वेट एंड स्लिम रहने वाला है। बात कर लेते हैं फ़ोन के कैमरा की। तो इसमें आपको ऐसा बताया जा रहा है, इसमें आपको डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जो कि 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल का देखने के लिए मिल जाता है। और ऐसा बताया है, इसमें आपको ऑटो फोकस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, OIS का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, LED रिंग लाइट देखने को मिल जाती है जो कि डुअल लाइट के साथ आता है, ISO के भी देखने को मिल जाता है और HDR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। साथ ही इसके अगर वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है तो इससे आप वीडियो रिकॉर्डिंग भी आप इससे खासी कर सकते हैं, जो कि आपको 4K में वीडियो रिकॉर्डिंग इससे कर सकते हैं। साथ ही फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको 50 मेगापिक्सल की सेल्फी देखने को मिल जाता है, जिससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं या तो फुल HD में वीडियो रिकॉर्डिंग इससे भी कर सकते हैं। बात कर ले फोन की बैटरी की, तो आपको बैटरी देखने को मिल जाती है फोन के अंदर 4600mAh की बैटरी देखने के लिए मिल जाती है, जिसे चार्ज करने के लिए फोन के अंदर आपको 80W का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और 80W का चार्जर आपको बॉक्स में मिल जाता है, जिसे अपने फोन 0 to 70% करने के लिए आपको अपने 30 मिनट का टाइम देखने के लिए मिलेगा। फोन में 30 मिनट का समय में अपना फोन 70% कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर आप बात कर लेते हैं कुछ और छोटे मोटे सेंसर, वो कि आपके सारे देखने के लिए मिल जाते हैं। बात करें इसके लॉन्च डेट की और प्राइस की, तो ऐसा बताया जा रहा है इसका जो प्राइस, जो चाइनीज वेरिएंट का प्राइस अगर इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो इसकी प्राइस आपको 29,499 रुपये देखने के लिए मिल जाती है, अगर आप इसे इंडियन रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं तब। और बाकी जब ये फोन लॉन्च होगा तब इसकी प्राइस निकलेगा। और लॉन्च की डेट की बात करें तो ऐसा बताया जाए फोन जुलाई के मंथ में इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। तो गाइस ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल करें सब्सक्राइब। तो मिलते हैं आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।